गाइस मैं अभी अभी उठी हूँ और अभी बिल्कुल फ्रेश होकर नहा के मैं चलती हूँ कॉलेज। बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा है, जो फील कर रहे हैं ना इस मौसम को, बहुत ही अच्छा मौसम है। ये चलता रोड है, इधर हमारा पीजी है और उधर ही मेरा कॉलेज है बिल्कुल पास। गाइस मिलती मैं आपको नहा के फ्रेश हो के फ्रेश मूड में। अब जाना है कॉलेज, कॉलेज के लिए तैयार होना है, फिर ब्रेकफास्ट भी बनाना है। हुई माँ मिलते आपको कॉलेज। तो कैसे हैं आप सब, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी कॉलेज के लिए और बस अब ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, फिर उसके बाद कॉलेज जाऊंगी और आज असाइनमेंट भी मैंने जमा करानी है, तो रात बना ली थी मैंने, तो आज और बनानी है वैसे। तो चलिए, तो गाइस मैं खाऊँगी ब्रेड और ये रहा दूध, मैं सुबह को ब्रेड खाती हूँ सिर्फ। तो मिलते हैं आपको ब्रेड के साथ। गाइस मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, तो अब खाते हैं फिर चलते हैं हम कॉलेज फटाफट से। गाइस मैं निकल चुकी हूँ कॉलेज के लिए और मैं हो चुकी हूँ लेट, क्योंकि मैं उठी हूँ लेट और सोई भी लेट थी क्योंकि मैं बना रही थी असाइनमेंट और काफ़ी सारी असाइनमेंट दी हुई है बनाने के लिए, तो इसलिए बस। और आज भी बनानी है मैंने असाइनमेंट और फटाफट से कॉलेज चलते हैं, क्लास लगने वाली है बस। मैं सोच रही थी क्लास नहीं लगने की, आज 9:20 हो गई, 9 बजे क्लास है। देखा मैडम हमारी कार चढ़ चढ़ के हम परेशान हो गए, देखो रास्ता सही हो जा रहा है पर हम चौथे उस पर है ना। हाँ ये लास्ट चौथे उस पर है, अभी और आगे छत भी है, लिफ्ट होनी चाहिए फटाफट। मैं आ गई हूँ पीजी और बस अब खाना बनाऊंगी, आज मैं बनाऊंगी भिंडी। तो गाइज मेरी भिंडी भी कट चुकी है और प्याज भी कट चुकी है, मैंने बनाना खाना दोपहर का और काफ़ी ज़्यादा भूख लग गई है, तो इसको बनाती हूँ। इधर बन रही है मेरी रोटी, बना रही हूँ मतलब, और ये है मेरी सब्जी और रोटी बना लेती हूँ पहले। गाइस बना लिया मैंने खाना, यह है रोटी, ये है भिंडी और यह है दही, ठीक है। और आज इस वीडियो में मैं आपको क्या दिखाऊंगी, अपना पीजी दिखाऊंगी, ठीक है, सारा पीजी दिखाऊंगी कि पीजी कैसा है। हमारी आई थी मैं मार्केट से सामान लेके और दही दूध वगैरह लाना था मैंने, तो सबसे पहले तो मैं आपको पीजी दिखाती हूँ अपना। आज मैंने पीजी दिखाना है आपको अपना पूरा, चल दिखाती हूँ। मैं नीचे से आई, ठीक है, फिर इधर हमारी मेन एंट्रेंस है जहाँ पे मेरा रूम है, अंदर जाके सबसे पहले इधर आती है बालकनी, ये कुछ बालकनी है, ठीक है। इधर भी ये रूम है और एक उधर रूम है, उसका गेट जो कि उधर की साइड है, मेन गेट ये बालकनी वाला गेट है। और ये इधर की गली है, ये कुछ सीन है और ये यहाँ पे पौधे वगैरह लगाए हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये कैसे छुप रहे हो भैया आप, पहले क्या आप लोग में आए नहीं, थप्पड़ आए। फिर ये है मेन एड्रेस, ठीक है। फिर इसके बाद सबसे पहले आती है हमारे यहाँ पे किचन, जो हमेशा बहुत साफ रहती है। फिर ये बना रहा है खाना, हाय हेलो और फिर उसके बाद आता है ये फ्रिज। सबसे पहले मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ, जैसे हम इधर से आए, इधर आपको किचन दिखाई, ठीक है, और इधर साइड में है सामने, इधर है मेरा रूम
जो कि ये है, ठीक है। ये है मेरा बेड और ये मेरी रूममेट का बेड, और यहाँ पे एक टेबल मिलता है जिस पे मेरी बुक्स रखी हुई हैं, और इधर स्पीकर भी है फ्री टाइम में गाने सुनने के लिए, मेरा बैग रखा है, और ये टेबल मिल जाता है, ठीक है। और ये हमें बेड मिलता है, और ये बिस्तर वगैरह अपने लाने पड़ते हैं, और ये मेरी रूममेट का बेड अपन को बताया मैंने, और ये मेरी अलमारी, और ये मेरी रूममेट की अलमारी, ये उसका टेबल, और इधर मिल जाती है मेरे को चेयर, ठीक है। और इधर है ये टेबल, इस पर हम सब्जी वगैरह रख सकते हैं नीचे। इधर है वॉशरूम, ये है मिरर, और ये है बालकनी का गेट, ठीक है। ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये कुछ है, इधर हमारा कूलर लगा हुआ है, और इधर है वॉशिंग मशीन, और ये रही बालकनी, ठीक है। अब मैं और दिखाती हूँ, यह है बाहर का सीन, ये नाइट का है, और फिर इसके बाद हम अंदर चलते हैं। ये तो मैंने आपको दिखा दिया, और जो ये बेड है ना, इस पे रूममेट थी जो कि वो जा चुके हैं मतलब छोड़ के, और अब जो दूसरी आएगी तो फिर देखते हैं। तो ऐसे ये गद्दे मिलते हैं यहाँ पे, और ये चादर वगैरह अपनी लानी पड़ती है, ये बता ही दिया मैंने आपको। फिर इसके बाद ये आ जाता है इधर मंदिर, ठीक है। ये हमारे लड्डू गोपाल जी, ठीक है, ये हमारी माता रानी जी, और इधर ज्योत बत्ती लगाते हैं सब, पूजा करते हैं, ठीक है। और ये साईं बाबा जी, और जो कि ये अलमारी है, और ये वाली अलमारी ना मेरे पास थी सबसे पहले, क्योंकि जब मैं नवी नवी आई थी तो मेरे पास मतलब ये थी, फिर जब वो मेरी रूम ने छोड़ दिया था, मतलब ये खाली कर दिया था रूम, चले गए थे वो, तब मेरे को अंदर वाली मिल गई थी, सबसे पहले मेरी अलमारी ये वाली थी। फिर उसके बाद आता है ये वाला रूम, इसमें ये आपको महान हस्तियाँ मिलेंगी, ये भी मेरे कॉलेज की हैं, ये भी मेरे कॉलेज की, और वो है जॉब की, ठीक है। इसमें आपको ये दो अलमारी मिलेंगी, ये अलमारी इनकी है, ये अलमारी इनकी है, ये वाली अलमारी इनकी है, ठीक है। फिर ऐसे अलमारी मिलेगी, और इधर इनको ये छोटा सा टेबल रैक कुछ मर्जी बोल सकते हो, इधर कपड़े वगैरह टांगने के लिए इधर इनका सामान रखा हुआ है, ठीक है। इधर इनको इनका टेबल है ये, और ये तो छुप ही रहे हैं, इधर इनका टेबल है, मैनेज करना इनके हाथ में, ठीक है। और इधर इनको एक मिरर मिल जाता है, ये सब है ऐसा कुछ, और ये पेंटिंग वगैरह जो भी है। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाती है बालकनी, जो कि मैंने बताया था ना इधर की साइड, इसका मेन गेट वो ये है, और इधर दिवाली की यही इधर की साइड भी यही लगी हुई है, उधर से मैंने आपको बताया था कि इधर का मेन गेट उधर है, ये बालकनी वाला गेट है, ठीक है। और इधर भी देखो ये फ्लावर्स वगैरह लगाए हुए हैं, अच्छा पीजी है हमारा। अब मैं दिखाती हूँ आपको दूसरा रूम, और इधर सामने मिल जाता है इधर वाले रूम वालों को ये वाला वॉशरूम, मतलब कोई भी यूज़ कर लो वैसे तो। और इधर मिल जाता है हमें ये बड़ा फ्रिज, ठीक है। और फिर उसके बाद ये हमारी मेन एंट्रेंस थी ना, और इधर था मेरा रूम, और इधर आके है ये वॉश बेसिन, और इधर है वो रूम, अभी दिखाती हूँ। फिर ये मिल जाता है मेरे को एक और महान हस्ती, अलमारी है ये इनकी अलमारी है, ठीक है। और जो ये बीच वाली अलमारी है वो इनकी है, इनके पास एक और है, और जो उधर वाली अलमारी है जो किचन में, ये क्या चीज़ अलमारी आपकी बाहर नहीं है, और ये जो बेड है वो किचन में है, अभी वो खाना बना रहे हैं, ठीक है। इनको भी ये टेबल मिल गया है, और उनको भी वो टेबल मिल गया है, और इधर इनको चेयर मिल जाती है, और इनको भी ऐसी टेबल मिल जाता है, और ये मिरर, और ये इनका वॉशरूम है, ये भी वॉशरूम है, ठीक है। और इसके बाद ही आ जाती है बालकनी इधर, जो मैंने अपने रूम से दिखाई थी उधर की साइड से, और इधर इनको मिल जाती है ऐसी ही, अब दिख रही होगी शायद, हाँ इधर से ऐसे मिल जाती है, और इधर से ऐसे मिल जाती है बस, और तो कुछ नहीं। इसमें आपको खाने के बारे में बता दूँ, यहाँ पे तो खाना हमने अपने आप बनाना पड़ता है, और मतलब हम सभी अपने आप बनाते हैं, मैं भी अपने आप बनाती हूँ, आपने देख ही लिया होगा। तो मतलब पीजी टू पीजी डिपेंड करता है यहाँ पे खाना पीजी में, कि उस पीजी में खाना बनता है या नहीं बनता है, हमारे पीजी में नहीं बनता है, हम अपने आप बनाते हैं। और रही बात सफाई की, वो हमें करी कराई मिलती है, कई पीजी में होता है कि अपने आप ही करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे करी कराई मिलती है, बहुत अच्छी बात है,
कि अपने आप सफाई नहीं करनी पड़ती, और काफ़ी काम है मतलब खाना बनाना और कपड़े धोना, ये सब ये अपने आप ही करना पड़ता है। और जब अपने आप काम करना पड़ता तो उस चीज़ में तो घर वालों की देखो वैसी याद आएगी ही, और मतलब याद आती है काफ़ी ज़्यादा कि अपने आप ही करने पड़ते हैं यहाँ पे सारे काम। और वहाँ पे तो ये था कि थोड़े बहुत कर लेते थे, मतलब मम्मी भी होती थी तो वो करती थी, तो थोड़ा बहुत याद आती है, थोड़ी बहुत नहीं काफ़ी याद आती है, तो एडजस्ट करना पड़ता है। अगर बाहर निकल गए तो एडजस्ट करना पड़ता है, कोई बात नहीं। और पढ़ने का टाइम, मतलब सोने का नहीं पढ़ने का टाइम हो रहा है। अब मैंने असाइनमेंट्स बनानी है, आपको पता ही है सुबह बोला था मैंने, अब मेरा असाइनमेंट्स बनानी है, कल भी बनाई थी यार। तो कॉलेज में आके तो ऐसे होता है कि बनानी पड़ती है, पेपर भी आने वाले हैं, दिसंबर में हमारे पेपर हैं तो फर्स्ट सेम के, तो डट के मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पढ़ते हैं, बनाती हूँ असाइनमेंट्स और फिर मिलती है आपसे। इसी के साथ करते हैं हम व्लॉग का एंड। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी बड़े से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर।